हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ लड्डू बनाने ड्राई फ्रूट के, वहाँ ले जाने के लिए वैष्णो देवी के जा रहे हैं। हम और अंशु वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वही लड्डू है बना रहे हैं रास्ते के लिए। ये सब मेरा ड्राई फ्रूट तल गया है, आटा भी भून गया है, मखाने भी, गरी भी बन गए लड्डू। अब पैकिंग कर वो डिब्बे में भर दूं और फिर पैकिंग भी मुझे करनी है। इतने हो जाएंगे 7-8 दिन के लिए। वहाँ वैष्णो देवी और अमृतसर जाना है, पंजाब स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने हैं वैष्णो देवी माता के। और सब सूखा नाश्ता मंगा लिया है मैंने और फल फ्रूट से कुछ डाल लूंगी। कल 5 बजे की ट्रेन है फतेहपुर से, तो आज मैं सब पैकिंग किए लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये सूट पहनूंगी माता रानी के दर्शन के लिए। रेड पहना जाता है, रेड या पिंक हो या पीला हो, तो मैं इसी को पहनूंगी जब दर्शन करूंगी। अच्छा लग रहा है ना? हो गई पैकिंग मेरी, पूरा काम हो गया, सारी पैकिंग भी हो गई। और कल मेरे ससुर जी की श्राद्ध है, तो पहले पूजा करवाऊंगी। सुबह से पूजा रहेगा, पंडित जी खाना खाएंगे, तो खाना पीना भी होगा। और फिर इसके बाद हमारी 5 बजे ट्रेन है, तो वहाँ के लिए भी पूरी सब्जी सब बनाऊंगी। तो फिर कल मिलूंगी आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब सुबह हो गई है, तो आज हमारे ससुर जी की श्राद्ध है। तो आज हम ये देखिए, हमने पिंडा के लिए खीर बना दी है और ये सब बनाना है अभी पकौड़ियाँ, और फिर खाना बनाऊंगी। अब ये पकौड़ी बन रही है मसाले के लिए। ये हमारी खीर बन रही है। अब आज पंडित जी भी भोजन करेंगे, तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी, पूरी कचौड़ी सब। तो अभी तो मैं पिंडा पड़ने लगे हैं, पंडित जी आ गए हैं, तो मैं अभी वहाँ का दिखाऊंगी, इसके बाद में खाना बनाऊंगी। ये फोटो मेरे ससुर जी की है।
अच्छा पिछले चरण में मुझे विरक्त ले आ रहे होते मुझे संग के कोने से इतने पर से तेरे हम पान करो तेरे को हरे ओम दस्ते दस्ते विष्णु प्रतिपादे श्री पुरुषोत्तम राम प्रतिपादे श्री श्री द्वारा कवि वे सुख मंदिर अष्टम दिव्य चरण में मुझे विरक्त ले आ रहे होते मुझे संग के कोने से तेरे देखो क्षेत्रीय हम ग्राम भव ग्राम हम नाम से मंदिर है ना हाँ हाँ भोग लगा दो इनमें आके भोग लग गए ओम श्रास्ते तृप्ता ओम श्रास्ते तृप्ता ओम श्रास्ते तृप्ता ओम श्रास्ते तृप्ता ओम श्रास्ते खीर बन गई है, अब सब्जी बन रही है, फिर इसके बाद में पूरी बनाऊंगी। हाँ पंडित जी, पूरी बन रही है, पूरी हमारी बन गई। अब ये गौ माता के लिए और उनको ससुर जी बाबू जी को भोग लगाने के लिए ये सब है। ये गाय के लिए है, गाय को कौवा को सबको आज खिलाया जाता है, श्राद्ध है ना पंडित जी। कौवा गाय सबको खिलाया जाता है आज, चींटियों को खिलाया जाता है, चींटियों को खिलाया जाता है, भगवान को खिलाया जाता है, पंडित जी को भी खिलाया जाता है। अब अंशु के पापा और पंडित जी भोजन करेंगे, तो उनके लिए मैं थाली लगा रही हूँ। हाँ वीडियो भी बना ला, कितना मेहनत का काम है, पूरे घर की जिम्मेदारी, सब काम करना है, अरे घर का भी काम सब देखना। हाँ अकेले में बहुत पंडित जी काम परत है, बहुत ज्यादा बढ़िया बताओ। आपका भोजन मस्त है, बिल्कुल प्रसाद। अच्छा कसमई भी बढ़िया बनी हुई है, कसमई भी बढ़िया बनी हुई है, खीर। अच्छा संस्कृत में तस्मई, संस्कृत और संत भाषा में तस्मई। अच्छा
नंदिनी लोग भी खा रही है। बेटी अब लाई पूरी। पूजा हो गई और पंडित जी ने भोजन कर लिया, चले भी गए पंडित जी। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने भी खाना खा लिया, अब जा रही हूँ सोने। 2-3 घंटे सो लूँ, इसके बाद फिर हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो फिर मुझे पूरी कचौड़ी बनानी है, सब्जी रास्ते के लिए पैक करना है। तो फिर मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी थोड़ी सी बेसन जीरा वाली पूड़ी बनाना है, तो वो मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें जीरा, नमक, बेसन में और मोहन और उसका सरसों के तेल का डाला है। अब इसको ऐसे करके ऐसे बनाऊंगी। ये हमारी बन गई जीरा वाली पूरी। अब पूरी बन गई है, अब मैं बना रही हूँ पनीर भुजिया ले जाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, इसमें जीरा डाला है, अब जीरा हो गया है, प्याज डालूंगी। प्याज मेरी पक गई है, अब मैं मसाले डालूंगी। सही बात है। नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। पनीर डालूंगी। तब तक मेरी सब्जी पक रही है, तब तक मैं सब पैकिंग कर लेती हूँ। बन गई है मेरी सब्जी, मैं इसको पैक करूंगी। सब सामान पैक हो गया, खाना आ गए स्टेशन फतेहपुर। ट्रेन हमारी आने वाली है, किंग हम अंशु है जा रहे हैं।